नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्य दर्पण में आपका स्वागत है। चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। इसके पहले हमने वाइगोत्स्की की थ्योरी के विषय में विस्तार से चर्चा की थी। अब उनकी थ्योरी की विशेषताएं और एजुकेशन इम्प्लीकेशन, शैक्षिक निहितार्थ के विषय में पढ़ेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाइगोत्स्की थ्योरी, वाइगोत्स्की की थ्योरी की विशेषताएं। पहला है दोस्तों, वाइगोत्स्की बालक के संज्ञानात्मक विकास के लिए समाज और संस्कृति को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में बालक के संज्ञानात्मक विकास के लिए समाज और संस्कृति को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। दूसरा है दोस्तों, इस सिद्धांत के अनुसार विकास के लिए पहले अधिगम होना अत्यंत आवश्यक है। अधिगम का होना बहुत आवश्यक है, तब इस सिद्धांत यह सिद्धांत उसके विकास पर लागू होता है। तीसरा दोस्तों, इस सिद्धांत के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास करने हेतु बालक में गुण पहले से विद्यमान होते हैं, लेकिन इन गुणों को बाहर निकालने का कार्य समाज और संस्कृति के द्वारा होता है। लेव वाइगोत्स्की जो कि रशियन मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने समाज और संस्कृति पर ज्यादा जोर दिया है। अगला है दोस्तों, उनके अनुसार बालक के अंदर गुण पहले से विद्यमान होते हैं, उसको बाहर लाने के लिए समाज और संस्कृति की सहायता से इंटर रिलेशन होने के बाद वो गुण बाहर आते हैं। वाइगोत्स्की बालक के संज्ञानात्मक विकास हेतु सामाजिक अंतरक्रिया, सोशल इंटरेक्शन, भाषा और संस्कृति को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं, जो कि हम थ्योरी में देख चुके हैं। अगला है दोस्तों, वाइगोत्स्की ने छात्र के अधिगम हेतु ZPD, MKO और इसके फोल्डिंग संप्रत्यय को आवश्यक माना है। वाइगोत्स्की ने छात्र के अधिगम के लिए ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एंड मोर नॉलेजेबल अदर और इसके फोल्डिंग संप्रत्यय को आवश्यक माना है। अब एजुकेशन इम्प्लीकेशन के विषय में पढ़ेंगे। ये तो हो गए थ्योरी की विशेषताएं, अब ये शिक्षा में उसका क्या उपयोग होगा उसको देखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इस सिद्धांत का अहम योगदान है। इस सिद्धांत का उपयोग वर्तमान शिक्षा प्रणाली में छात्रों को अधिगम करवाने हेतु किया जा सकता है। कुछ बच्चों को नॉलेज होता है, उनके नॉलेज को पॉलिश करने में इस थ्योरी का उपयोग किया जा सकता है। यह सिद्धांत अध्यापकों को यह विश्वास दिलाता है कि उनके द्वारा छात्रों का उत्तम तरीके से संज्ञानात्मक विकास किया जा सकता है। यह छात्रों के साथ साथ अध्यापकों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें भी पता चलता है कि उनके द्वारा किस विधि से छात्रों का संज्ञानात्मक विकास करने में मदद मिलेगी। अगला है दोस्तों, यह किसी जटिल प्रकरण को सरल बनाने एवं शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने हेतु अत्यंत लाभदायक है। ये कोई प्रकरण, कोई कोई चैप्टर दोस्तों जल्दी समझ में नहीं आता है, लेकिन उस जटिल प्रकरण को सरल बनाने में इस सिद्धांत का उपयोग किया जा सकता है और शिक्षण की प्रक्रिया को एकदम सरल बना देता है, जो बच्चे जिसे आत्मसात कर लेते हैं और उसे प्रभावशाली ढंग से पढ़ाने के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होता है। यह सिद्धांत बालक को समाज और संस्कृति से जोड़ने का कार्य करता है। जो छात्र के नैतिक मूल्यों का विकास करने में सहायक होता है। छात्र जब पाठशाला में जाता है तो वो अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से और समाज के परंपरागत संस्कृति से जुड़ता है और घर में भी परिवार में भी उसका सांस्कृतिक विकास होता है, लेकिन जो विकास उसका पाठशाला में होता है उसे मूल्यों का विकास होता है। जैसा कि छात्रों के नैतिक मूल्य होते हैं, वो पाठशाला में अध्यापकों के शिक्षण के द्वारा एक तरीके से कहें तो उन्हें एक गति मिलती है, पॉलिशिंग मिलता है। बच्चों के अंदर ज्ञान होता है, मूल्य होते हैं, लेकिन उन्हें कैसे व्यवहार में उपयोग में लाया जाए ये अध्यापक हमें समझाते हैं। तो संक्षेप में अगर कहें इस सिद्धांत के विषय में, तो ये सिद्धांत छात्रों के संज्ञानात्मक विकास हेतु समाज द्वारा प्राप्त मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देशों को महत्वपूर्ण स्थान देता है। ये जो सिद्धांत है वाइगोत्स्की का, इनके अनुसार समाज द्वारा प्राप्त मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देशों को ये
महत्वपूर्ण स्थान देता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने तीन वीडियोस में वाइगोत्स्की के दो वीडियोस में हमने वाइगोत्स्की के सिद्धांत के विषय में पढ़ा और तीसरे वीडियो में हमने उसकी विशेषताएं और शिक्षा में उसको कैसे अप्लाई किया जाए उसके विषय में जाना। तो दोस्तों अब हम आगे एक थ्योरी बची है अल्बर्ट बंडूरा की, सोशल लर्निंग थ्योरी, वो भी है। अगले वीडियो में हम अल्बर्ट बंडूरा की थ्योरी के विषय में पढ़ेंगे। तो दोस्तों जो मेरा वीडियो देख रहे हैं कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।